बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो फिर से एक प्लांट रिपोर्टिंग पर है। इस वीडियो में सूरजमुखी के पौधे को किस प्रकार के मिट्टी में लगाएं ताकि समर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सके, तो चलिए जानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूरजमुखी के बड़े फ्लावर वाले पौधे हैं जिसमें दो सीड ही मात्र लगाई थी, जिसमें एक सीड जर्मिनेट हुए और इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ग्रो करने का बिल्कुल वही तरीका जिस तरीके से एक वीडियो में डाल चुकी हूँ कि फ्लावर सीड को आप किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉइल मिक्सर में ले रखी हूँ, इसमें एक पार्ट के करीब कोकोपीट है और एक पार्ट के करीब बर्मी कंपोस्ट और थोड़े से मात्रा में DAP और थोड़े से मात्रा में नीम खली और दो पार्ट के करीब ये मिट्टी ले रखी हूँ। अगर आपकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो उसके जगह आप थोड़े से रेत भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से सूरजमुखी के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी मैं बना रखी हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप उसके जगह आप कोकोपीट के जगह आप सैंड का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी मिट्टी बिल्कुल तैयार है पौधे को लगाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ। और उसके पहले आपको जानना ज़रूरी है कि सूरजमुखी के जब भी आप पौधे लगाते हैं तो उसके लिए गमले हमेशा 12 से 14 इंच के गमले आप सेलेक्ट करें तो बेहतर है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और गमले में ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पानी गमले से बाहर निकल सके, ओवर वाटरिंग के कारण आपके प्लांट ख़राब ना हो। तो नीचे मैं कुछ दिए और कुछ पत्थर के टुकड़े रख रही हूँ जिसके कारण ड्रेनेज होल अच्छे रहेंगे। तो इसके ऊपर मिट्टी जो मैं सॉइल बना रखी हूँ, पूरी मिट्टी मैं गमले से भर लूँगी, उसके बाद मैं प्लांट को लगाऊँगी। तो लगभग गमले गर्मियों में आप कोशिश करें कम से कम 2 इंच ऊपर की ओर आप खाली रखें ताकि आप पानी डालें, प्लांट को पानी मिल सके। कभी कभी जब आप गमले पूरी तरह से भर देते हैं तो पानी गमले से बाहर निकल जाते हैं, प्लांट को पानी मिल भी नहीं पाते, तो इन बातों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो वाटरिंग मैं कर चुकी हूँ और इस तरह से बिल्कुल गमले में मैं लगा रही हूँ और इसे मैं फुल सनलाइट में रखूँगी। आने वाले वीडियो में इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी कि इसमें कौन से फर्टिलाइज़र डालें और इसमें कौन से पेस्ट इंसेक्ट होते हैं जिससे आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।